अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन सनास किचन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का डिनर मेन्यू, घर पर तैयार कर रही हूँ। ये हमने डिनर में भी यही खाया था तो सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, आपको उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगी। इसमें मैंने बनाया है काइंड ऑफ अरेबिक शावरमा और साथ में मैंने इसके बनाए हैं एलोपिनो बकेट्स। बकेट्स की जगह मैंने बन को इस्तेमाल किया, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने इसको बन को इस्तेमाल क्यों किया बकेट्स की जगह। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले अरबिक शावरमा की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन 1.5 केजी, यानी कि 1.5 केजी के करीब मेरे पास है बोनलेस चिकन। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप के करीब दही, साथ इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून के करीब, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच या आप अपने जायके के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी इसमें डाल रही हूँ 1 चाय की चम्मच और साथ ही इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ येलो फूड कलर, ये टोटली ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 चाय की चम्मच। अच्छा, अगर आपके पास सब्ज़ मिर्चें छोटी वाली हैं तो आप 1 चम्मच के करीब उसका पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और अगर आपके पास मोटी और बड़ी साइज़ की हरी मिर्च है तो आप 2 चम्मच के करीब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि छोटी का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा तीखा होता है। साथ ही इसे कवर करके रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। दूसरी साइड पर हम तैयार कर लेते हैं सैलड, जिसमें मैंने लिए हैं टमाटर 1 कप, बंद गोभी 1 कप, कैप्सिकम 1 कप, खीरे लिए हैं 1 कप। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई और भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा सैलड मैं अलग निकालूंगी, क्योंकि सैलड में मैं विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अलग सादा सैलड बच्चों के लिए रख रही हूँ ताकि बच्चों के सैलड में मैं विनेगर का यूज़ नहीं करती हूँ, उनका इशू हो जाता है गले वगैरह का। सिरके का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ 2 चम्मच के करीब। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको भी साइड पर कर देंगे और दूसरी तरफ तैयार कर लेती हूँ इसकी सॉस, जिसके लिए मेरे पास है सफ़ेद तेल 5 चम्मच के करीब। साथ ही इसमें डालूंगी लहसुन 3 बड़े जवे, अगर आपके पास छोटे जवे हैं तो आप 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय की चम्मच, नमक 1/2 चाय की चम्मच या हसबे जायका लेमन जूस 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। पेस्ट तैयार करने के बाद इसमें दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही 1/4 कप से 1 कप के करीब दही का इस्तेमाल होगा, डिपेंड करता है कि आपका दही कितना ठीक है या कितना पतला है, इससे ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं होगा। इसका अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। साथ ही इसमें डाल रही हूँ मायोनीज़ 1 कप के करीब। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का लाइट फ्लेवर्स के साथ सॉस रेडी हो गया है। इसे भी कवर करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। तब तक के लिए तैयार कर लेते हैं चिकन को, जिसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखा हुआ है। चिकन के लिए एक पैन में मैंने 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल या घी का इस्तेमाल आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, डाल दिया है। साथ ही इसमें सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करके इसे कवर करके कुक होने के लिए रख दूंगी। इसे इतना कुक करना है कि ये चिकन कुक हो जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए। अगर आप चाहें तो यही चिकन बनाकर इसे फ्रीज़र में भी फ्रीज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दही है तो इसमें ख़राब होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे ही चिकन कुक हो गया, इसका पानी ड्राई करके चिकन उतार लिया है। अब एक मेरे पास ब्रेड भी है, मैंने रैप लिया है, इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ सादा केचप, अगर आप चाहें तो चिली गार्लिक केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको पूरे रैप पर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी, साथ में इसके ऊपर से ऐड कर रही हूँ सॉस, डिपेंड कि आपको कितनी पसंद है, बहुत ज़्यादा सॉस भी नहीं ऐड करनी कि रैप करना मुश्किल हो जाए। चिकन को ऐड करेंगे और इसमें ऐड करूँगी जो हमने तैयार किया है वेजिटेबल्स, यानी कि इसका सैलड जो रेडी किया है उसको ऐड कर लूँगी। और मुझे एलोपिनो बहुत पसंद है तो मैं इसमें साथ में एलोपिनो भी ऐड कर रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉस और ऐड करने के बाद इसको बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ लेकिन अच्छे से टाइटली बंद करना है कि ये खुल नहीं जाए। रैप थोड़ा सा ब्रीक होता है और थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो ये फटने का भी डर हो सकता है, तो आप इसको ध्यान से रैप करें। इसी तरह के तरीके से मैं बाकी भी तैयार कर लूँगी, आपको दिखा दूँ कि मैंने घर में कितने बनाए हैं। डिनर था तो उसके हिसाब से मैंने सबके लिए बनाया है। एक छोटा सा क्लिप मैंने उसके लिए रेडी कर लिया था आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये इतना चिकन कितने रैप्स बने हैं इसमें। अब एक ग्रिल पैन ले लिया, उसे मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर रैप को ग्रिल कर लूँगी। ये टोटली ऑप्शन है, ये मुझे अच्छा लगता है कि इसके ऊपर ग्रिल के निशान है, ज़रा प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी हो जाती है। अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसको माइक्रोवेव या तवे के ऊपर भी
सेक सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े से रैप तैयार हुए थे। फ्लेवर्स थोड़े से स्पाइसी या तीखे थे, लेकिन बच्चों के लिए क्योंकि मैंने थोड़ा सा अलग निकाला था तो बच्चों का मैटर नहीं करता, उनको अलग दिए थे। ज़बरदस्त से रैप तैयार हो गए। अब दूसरी तरफ मैं तैयार कर रही थी बर्गर, जिसके लिए मैंने लिया है बटर। मेरे पास बटर का भरा पैक था, उससे मैंने हाफ़ ले लिया, यूनिक 200 ग्राम के करीब मैंने बटर ले लिया है। साथ ही इसमें डाल रही हूँ ओरिगैनो 1 टीस्पून के करीब, 1 चाय की चम्मच रेड चिली, कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चाय की चम्मच, और नमक आप जायके के हिसाब से इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ करें तो नमक को स्किप कर दें, अगर प्लेन बटर है तो नमक का इस्तेमाल करें। साथ ही मेरे पास मिक्स चीज़ पड़ी हुई है, चेडर और मोज़रेला दोनों, मैंने दोनों इसमें 1.5 कप के करीब शामिल कर दिया। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें स्वीट कॉर्न ऐड कर रही हूँ 1 कप के करीब। स्वीट कॉर्न ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैंने बगर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चों ने भी खाना है, बड़ों ने भी खाना है, किसी को खाने में मसला होता है, बगर थोड़े से सख्त होते हैं, तो इसलिए मैंने बगर को स्किप कर दिया है। बच्चों ने भी खाना होता तो उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट वाला बन मैंने लिया है ताकि वो शौक से खाएं। बहुत ही मज़े के, ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी और नीचे से सॉफ्ट मज़े के बगर तैयार हो गए हैं। बहुत ही लाइट फ्लेवर से, कभी मैं चाय के साथ भी इनको बना लेती हूँ। साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको निकाल के भी दिखा देती हूँ कि कितने मज़े के और सॉफ्ट बगर तैयार हुए थे। साथ ही इसके जो रैप भी बने थे वो भी मैं सर्व कर देती हूँ। इस तरह तरीके से सारे रैप भी तैयार हो गए थे। बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त सा डिनर तैयार हुआ था, सबको बहुत पसंद आया था। उम्मीद है आपको भी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पर मैंने रैप को कट भी कर लिया और आपको अंदर से करीब से दिखा देती हूँ कि इसका अंदर से चिकन इतना सॉफ्ट और जूसी था। चिकन को ओवर कुक मत किया करें, नहीं तो उसकी वजह से चिकन थोड़ा सा सख्त और ड्राई सा हो जाता है। अगर चिकन आपका परफेक्ट कुक हो तो रैप या सालन और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।